रिपु सर इंग्लिश क्लासेज में पुनः आपका स्वागत है। अब जो मैं चैप्टर लेकर के आया हूँ इस वीडियो में, जिसका महत्व कंपटीशन में बहुत कम कम मान के लोग चलते हैं और इससे प्रश्न तो न के बराबर ही पूछा जाता है, लेकिन चूंकि यह पार्ट्स ऑफ स्पीच का यह अंतिम भेद है इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। अब कोई बड़ा चीज नहीं है, एक ही पार्ट इसका है, इसका प्रयोग थोड़ा सा देख लें, जान लें, अच्छा लगेगा। इंटरजेक्शन वह शब्द है जो हृदय में अकस्मात उठने वाले मनोभावों को व्यक्त करता है। मन के भावों को जो है अकस्मात जो है हृदय में उठता है, हृदय में अकस्मात जो उठने वाले मनोभाव हैं उसको व्यक्त करता है। सडन फीलिंग ऑफ हार्ट, इससे कभी खुशी, दुख, क्रोध, आश्चर्य तथा प्रशंसा का भाव व्यक्त होता है। तो इंटरजेक्शन वह शब्द है जो हृदय में अकस्मात उठने वाले मनोभावों को व्यक्त करता है। इससे कभी खुशी, जॉय, दुख, सौरो, क्रोध, एंगर, आश्चर्य, सरप्राइज, प्रशंसा, अप्लाउज का भाव व्यक्त होता है। अब इसमें एग्जाम्पल देखें, वेल डन, तुमने तो कमाल कर दिया, तो यह प्रशंसा के रूप में आया है। गुड ग्रेसस मतलब वह ईश्वर को याद करता है, गुड ग्रेसस आपकी बहुत बड़ी अनुकंपा है। ओह आई हैव लॉस्ट माई वॉच, ओह से दुख व्यक्त हुआ। हुर्रा वी हैव वोन द मैच, हुर्रा से आपका हर्ष हुआ। कच्छ गेट ऑफ माई फीट, कोई किसी के पैर पर चढ़ गया उससे दर्द हुआ तो आया कुछ, QUCH कुछ, गेट ऑफ माई फिट, तो पीड़ा हुई उसको, पैर दबा गया तो पीड़ा हुई। हेलो यह ध्यान को आकर्षित करता है। हेलो क्या करता है? ध्यान को आकर्षित करता है। हेलो व्हाट इज गोइंग ऑन, ए ध्यान को आकर्षित भी करता है तथा संबोधन के लिए, एड्रेस, संबोधन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। हेलो व्हाट इज गोइंग ऑन, ध्यान आकृष्ट किया और एक संबोधन के रूप में हेलो शब्द का प्रयोग किया। व्हाट इज गोइंग ऑन, ओह ब्रदर आपका कुछ नाउन भी जो है इसमें आपको संबोधन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए यहां पर, ओह ब्रदर आई डिडंट रियलाइज दैट, ओह ब्रदर मैं उस बात को रियलाइज ही नहीं कर पाया, मतलब महसूस नहीं कर पाया। रिडिकुलस एडजेक्टिव भी आ सकता है संबोधन के रूप में, रिडिकुलस ये हास्यपद, हास्यपद। आई डिड नॉट बिलीव इट, मैंने इसे विश्वास नहीं किया। रिडिकुलस तो एडजेक्टिव भी जो है सो संबोधन के रूप में आता है। हेलन नेमिंग वर्ड, हेलन दिस कैनॉट बी हेलन, यह हेलन नहीं हो सकती है, सामने है। हेलन दिस कैनॉट बी हेलन, नाम को भी हम जो है सो एक अकस्मात अपने हृदय में अपने मन भावों को व्यक्त कर सकता है, उससे आश्चर्य व्यक्त होता है। हश डोंट स्पीक लाउडली, हश का जो प्रयोग किया जाता है ध्यान आकर्षित करने के लिए, हश या ध्यान आकर्षित करने के लिए हश का प्रयोग हुआ है। अल्लास आई वॉज रूइंड, हे राम, अल्लास मीन्स हे राम, मैं तो बर्बाद हो गया। हाय राम, हाय राम, इसका प्रयोग खास करके देहात की स्त्रियां करती हैं। हाय राम मैं तो बर्बाद हो गया। पुह पुह यू आर सो केयरलेस,
राम रे राम, तुम इतना लापरवाह हो, घृणा है। फाई फाई, यू आर सो सेल्फिश, छी छी। फाई फाई मीन्स छी छी, पुह पुह मीन्स राम रे राम। पुह पुह का मतलब हुआ आपका राम रे राम, राम रे राम। और फाई फाई का मतलब हुआ छी छी। ये दोनों से आपको घृणा का भाव आते हैं। फाई फाई, यू आर सो सेल्फिश, छी छी, तुम इतने इतने तुम स्वार्थी हो। ओह अह, ही इज नो मोर नाउ, वह अब नहीं रहा, दुख व्यक्त करने के लिए ओह अह। लो लार्क, हश, ये सब का प्रयोग ध्यान आकर्षित करने के लिए, यहां पर बताए थे हश, ध्यान आकर्षित करने के लिए। हाय, हेलो, हो, संबोधन के लिए आता है। वेलकम माय फ्रेंड, स्वागत भाव में आप वेलकम का भी प्रयोग कर सकते हैं। वेलकम माय फ्रेंड, स्वागत है मेरे मित्र भाव में, उसमें खुशी है। वाओ, कोई ऐसा चीज देखा जो आपको बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि आप सोच नहीं सकते थे कि इतनी अच्छी भी यह चीज हो सकती है, तो आप वाव का प्रयोग करते हैं। इसका वाव का जो प्रयोग होता है, यह सुखद आश्चर्य में, वाव, ब्रेव हो, वेल डन, शाबाशी के लिए, किसी की प्रशंसा करने के लिए ब्रेव हो या वेल डन का प्रयोग करते हैं। शौ, खीज के लिए, जो खीज आता है उसमें शौ, उग, नापसंदगी को यह दर्शाता है। तो इन दोनों का प्रयोग आपको क्लास 12 में जब पढ़े होंगे, वन एक्ट प्ले है, उसमें तीन पात्र हैं, लोमोव, नेटेलिया और चुब्बुकोव। उस चैप्टर का नाम है ए मैरिज प्रपोजल। उसमें अंत में इन दोनों जो है, इन दोनों संबोधन के शब्द का प्रयोग किया गया है। सो नाइस, मार्वलस, एक्सलेंट, प्रशंसा के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अह मी, हाय रे किस्मत, अह मी, आई वॉज रूइंड या आई वॉज अनडन, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, वह जो है सो दुख व्यक्त कर रही है। अल्लाह, ए डबल एल ए एच, अल्लाह, हे भगवान। जब आदमी विपरीत परिस्थिति में फंस जाता है, जब कोई आफत उसके यहाँ पैर पसार देते हैं, तो वह ईश्वर को उस दुख में जब याद करता है, तो संबोधन के शब्द के रूप में अल्लाह, मतलब हे भगवान, हे ईश्वर, उनको याद करता है। तो ये सारी जो बातें हैं, ये सारी बातें जो हम पढ़ते हैं, उस चैप्टर का नाम है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन में यही चीज मात्र आपको पढ़ना है। तो इंटरजेक्शन का मतलब क्या हुआ कि इंटरजेक्शन वह शब्द है जो हृदय में अकस्मात, सोचा नहीं, अकस्मात, कोई आश्चर्यजनक घटना है। इंटरजेक्शन क्या है, कोई आश्चर्यजनक घटना घटती है जिसकी होने की उम्मीद हम नहीं करते थे, उस अकस्मात घटना को सुनकर हृदय की धड़कन जो है सो बढ़ जाती है। तो उस आश्चर्यजनक जो घटना होती है, उस आश्चर्यजनक घटना को सुनने के बाद व्यक्ति जो है महसूस करता है, उस कौन कौन किस किस चीज की अनुभूति होती है, खुशी भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है, क्रोध भी हो सकता है, आश्चर्य भी हो सकता है, प्रशंसा का भी भाव व्यक्त हो सकता है। इसी को हम इंटरजेक्शन कहते हैं।
और इसमें मेन रूप से आप संबोधन के शब्द को याद रखेंगे। बस मात्र इतना ही पढ़ना था इंटरजेक्शन में। इस तरह से पार्ट्स ऑफ ए स्पीच पूर्णतः मैंने समाप्त कर दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो कृपया इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद।